नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, एनएलएम के टॉप 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमसे बोला गया कि भाई एक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक, ये एक क्यूब के अंदर है। क्यूब इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, वेलोसिटी दे रखे हमको, क्या दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर दिया है 5 TiK प्लस 2 TJ कैप, है ना, मीटर पर सेकेंड। अब हमसे बोला गया कि भाई यहाँ पे बताओ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, देखा व्हाट डज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्यूब, किसकी वजह से भाई, ये जो स्फीयर है वो इस क्यूब पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, याद रख। ये नहीं पूछा कि क्यूब स्फीयर पर कितना कर रहा है, हमसे बोला गया कि स्फीयर जो है वो क्यूब पर कितना कर रहा है, ठीक है, दोनों में फर्क है डायरेक्शन का। अगर मैं आपसे बोलता हूँ भाई कि यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटीज है, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या, आई के मतलब एक्स, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इन एक्स अगर चाहिए तो क्या करें बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दे अपन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, एक्सेलरेशन इन एक्स अगर अपन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन इन एक्स वो आएगा बेटा अपने पास, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ 5 कितना आएगा भाई, 5 एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास, किसमें, एक्स में, ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली एक्सेलरेशन इन वाई अगर बात करेंगे तो वो आएगा 2 m/s², ठीक। तो एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन से क्या अपन फोर्स निकाल सकते हैं, हाँ। अगर मैं इस स्फीयर की बात करता हूं यहाँ पे, तो ये जो ब्लॉक है वो इसको मूव करवा रहा है इस डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन 2 m/s², ठीक। तो इसमें जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, पीछे की तरफ, एम है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है वो इस स्यूडो फोर्स के बराबर क्या लगाएगा, इस क्यूब पर फोर्स लगाएगा। अब डायरेक्शन जो है वो क्या है, आपको दिख रहा है क्लियर कि भाई ये जो है ये प्लस आई केप है, तो ये जो है वो क्या है, माइनस आई केप। मतलब यहां जो फोर्स लगेगा इन एक्स डायरेक्शन वो कितना होगा बेटा, कि मैं माइनस लिख रहा हूं, माइनस मास है 2 और एक्सेलरेशन है 5, तो कितना वैल्यू आ जाएगी, -10 न्यूटन, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे माइनस इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है, ठीक। अब अगर वर्टिकल की बात करें तो ये समझो कि भाई यहाँ पर नीचे की तरफ इस ब्लॉक का लगेगा बेटा एम जी, और इस ब्लॉक पर या जो इस स्फीयर पर फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, कितना भाई, रिएक्शन जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। अब जितनी रिएक्शन होगी वही ये जो स्फीयर है इस क्यूब पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब इसका एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं जिसको अपन ने लिफ्ट प्रॉब्लम के नाम से अपन ने किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर सिंपल सी बात करें बेटा कि अपने को रिएक्शन चाहिए तो क्या करेंगे अपन, कि आर माइनस एम जी इक्वल्स टू एम है बेटा, है ना, यही होगा भाई। तो हम आर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कि एम जी प्लस ए, ठीक है। तो R इक्वल्स टू एम की वैल्यू जो है वो कितनी है भाई, 2। M जो है वो हो गया अपना 2, G की वैल्यू अभी हम मान लेते हैं 10 है, और एक्सेलरेशन की बात करें अगर Y में तो वो कितना है बेटा, 2 है, ठीक। तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे वैल्यू, कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा अपने पास में 24 न्यूटन, ठीक है। एक्चुअली यहाँ जो अपने लिखा बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ जो अपने का एक्सेलरेशन इन एक्स है वो अपना है 5, ठीक है, और मास ऑफ द बॉडी 2 है, जो एक्सेलरेशन है वो 5 है, इसलिए वैल्यू -10 आएगी, है ना। लिखने में मिस्टेक थी, बाकी सब कुछ सही है बेटा। तो अगर हमसे बोला जाए कि भाई टोटल फोर्स चाहिए, एफ नेट चाहिए, तो एफ नेट क्या करेंगे बेटा, कि रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है ऐसे, है ना, और ये ऐसा लग रहा है, ठीक। तो ये इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन के बराबर लग रहा है भाई, पीछे की तरफ ऐसा। तो ये हो गया बेटा 24 न्यूटन नीचे की तरफ, और इधर कितना हो गया आपका 10 न्यूटन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, बाकी आप जानते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास एफ नेट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी आपको, ठीक, कोई बुराई
नहीं है, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 26 न्यूटन आ जाएगी। तो इस टाइप के और भी बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा हाँ वाकई में इस क्वेश्चन में दम था, है ना। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है अगर वो करोगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अच्छे क्वेश्चन करोगे तो अच्छा लेवल बढ़ेगा, तो ये आपको बोर्ड लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। धीरे धीरे मैं लेवल और इंक्रीज करता जाऊंगा, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अड़ोसी और पड़ोसी का ध्यान भी आप ही को रखना है। थैंक यू।